गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए, संडे है, जनरल स्टडी का टेस्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले आपके 27 टेस्ट हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप एक बार अपनी तैयारी को वहाँ से जज करें। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सेंटर टू स्टेट लेवल, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है एक हफ्ते में जनरल स्टडी की, ऑल एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन जज करें, अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन आके कि हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो 28 है और टॉप 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम सेंटर टू स्टेट के लिए आपको बेनिफिट है। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रतिदिन इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ क्लास पाने के लिए, टेस्ट पाने के लिए और जनरल स्टडी की, आपकी करंट अफेयर की क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन टेस्ट नंबर 28। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, 23 मई, 22 मई या फिर 21 मई? बताइए। वेरी गुड, आतंकवाद विरोधी जो दिवस मनाया जाता है वो 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप याद रखना, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, ईरानी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जो ईरान की मुद्रा है उसे किस नाम से जाना जाता है? पाउंड, दिरहम, दिनार या फिर रियाल? बताइए, ईरानी जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? उसका जो नाम है वो है रियाल। डी आंसर हो जाएगा हमारा, राइट, डी, रियाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब होता है उसके अंदर जो तंतु होता है, लटकता रहता है जो, तो वो फिलामेंट कहते हैं उसे। तो वो फिलामेंट किस राज्य, किस उसका बना होता है धातु का? ए टंगस्टन का, तांबे का, शीशे का या फिर लोहे का? बताइए, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? इसमें जो फिलामेंट बना होता है वो होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन में आप याद रखना, राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है और खान पूछे तो इसके लिए देगाना खान, देगाना खान पर सीधे राजस्थान राज्य में टंगस्टन के लिए राजस्थान राज्य का पहला स्थान है और यह जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जमुना परी किसकी एक नस्ल है? जमुना परी किसकी एक नस्ल है? नस्ल मतलब वंश है, गाय की, बकरी की, शेर की या फिर कोई नहीं? बताइए, जमुनापरी जो नस्ल है वो किसकी एक नस्ल है? यह है बकरी की, बकरी की एक नस्ल है जमुनापरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 10 अगस्त को, 29 अगस्त को या फिर कोई नहीं? बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। ठीक है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है?
कंज्यूमर कोर्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है किस तिथि को? 11 अगस्त को, 15 अगस्त को, 21 मार्च को? बताइए। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अगर कोई वस्तु हमें गलत दी जाती है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारों के प्रति। तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? जो भारत का प्रथम उपग्रह था उसका क्या नाम था? ए कोलंबिया, भास्कर या फिर आर्यभट्ट? बताइए, भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? उसका जो नाम था वो था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योति बाबा फूले ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी या फिर स्वामी विवेकानंद ने की थी? बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना की थी वो की थी ज्योति बाबा फूले ने। किसने की थी? ज्योति बाबा फूले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में है? कौन सा एक ऐसा स्थान है या कौन सा एक ऐसा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है? पंचमहल या पांच महल एक ही बात है सर? जोधाबाई का महल, अकबरी महल, डी उपरोक्त सभी? बताइए, कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित है? पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल या फिर सभी? इसमें जो फतेहपुर सीकरी में स्थित स्थान है वो है डी सभी। पंचमहल भी वहीं पर है, जोधाबाई का महल भी वहीं पर है और अकबरी महल भी वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 10, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? लिक्विड प्रोपेन गैस का मुख्य जो घटक है वो क्या है? ब्यूटेन, पेंटेन, मेथेन या फिर गोबर गैस? बताइए, एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो क्या है? एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, ब्यूटेन। अगर एग्जाम में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन दोनों आए तो दोनों आंसर हो जाएगा। अगर ब्यूटेन प्रोपेन या फिर जिस तरह मैंने ऑप्शन में दिया है तो आप ब्यूटेन करेंगे फिर उसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है हमारा। मरीचिका किसका उदाहरण है? राजस्थान में बनने वाले जो मरीचिका का उदाहरण है वो किसका एक उदाहरण है? क्वेश्चन ये है हमारा, परावर्तन का, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का? बताइए, राजस्थान में बनने वाली मरीचिका किसका हो? ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसा लगता है जैसे ही आसमान से लाइट पड़ रही हो और फिर दोबारा आसमान में ही बप मार रही हो, मतलब दोबारा रिटर्न हो रही हो, तो उसे कहते हैं मरीचिका। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है मरीचिका। कहां पर बनती है मरीचिका? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकाश के वर्ण चाल कांच में न्यूनतम होती है? किस प्रकाश के वर्ण में चाल कांच में न्यूनतम होती है? लाल में, बैंगनी में, हरे में या फिर पीले में? बताइए, वेरी गुड, ये होती है लाल में। लाल प्रकाश का जो कांच होता है, लाल कांच, तो उसमें न्यूनतम होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? बताइए, हुमरस, टीबिया, रेडियस, फीमर? ये होती है आपकी फीमर।
फीमर मतलब जांग की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 14, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? जो प्रमुख खिलाड़ी है जसपाल राणा, फेमस खिलाड़ी रहे और फिलहाल भी है, तो इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर निशानेबाजी? बताइए जसपाल राणा का संबंध किस खेल से, इनका जो संबंध है वो है निशानेबाजी से। डी आंसर राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? जो जाति है, जो कास्ट है, जो शेड्यूल है, उस वो एक बंद वर्ग है। किसने कहा है जाति को एक बंद वर्ग, बताइए? डीएन मजूमदार, कार्ल मार्क्स, टी पार्सन या फिर फ्रायड? बताइए जाति को किसने बंद वर्ग की संज्ञा दी है? ये मजूमदार ने दी थी, इन्होंने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है और ये अपना कार्य लगातार करती रहती है। तो जाति एक बंद वर्ग, बहुत बड़ी अवधारणा है, वो कभी चैप्टर समझाऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप इतना याद रखना जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 16, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो समाजशास्त्र शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक, हिंदी? बताइए किस भाषा से हुई है? समाजशास्त्र जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन और ग्रीक भाषा से। लैटिन और ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 17, मानव मिति विज्ञान है क्या? मानव जो मिति विज्ञान है उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, किस चीज का एनालिसिस किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? आकार का, मतलब किसी चीज का आकार, लंबाई चौड़ाई, परिधान का, वस्त्र का या फिर माप का? बताइए। वेरी गुड। मानव मिति जो विज्ञान है इसमें जो रिसर्च होता है, अध्ययन होता है, वो होता है माप का। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, माप। क्वेश्चन नंबर, या फिर माप का अध्ययन किसमें होता है? मानव मिति विज्ञान, मां से माप, मां से मानव मिति विज्ञान। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील या ताजे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, चिल्का झील, सांभर झील? वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, आपको बतला दूं मैं, चिल्का झील उड़ीसा में है और सांभर झील राजस्थान में है। बताइए भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, यह है आपकी वूलर झील। वूलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और ये सांभर राजस्थान में है। ठीक है, सबसे ज्यादा खारे जल की झील या सबसे ज्यादा खारे पानी की झील वो है सांभर झील राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक लवणता किसके समुद्री जल में पाई जाती है? सबसे अधिक लवणता, नमक, किसके समुद्री जल में पाया जाता है सबसे अधिक लवणता? काला सागर में, लाल सागर में, हिंद महासागर में? इन तीनों में बतलाना है सबसे अधिक जो लवणता है वो किस महासागर या समुद्री जल में पाई जाती है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो लवणता पाई जाती है वो पाई जाती है काला सागर में, काला सागर में। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल याद रखना, मानव भूगोल, भूगोल ने पूछा, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को, रेट जेल को, हर्टिग टन को? बताइए किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है, रेट जेल को कहा जाता है, हर्टिगन को कहा जाता है? मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है रेट जेल को। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये थी आज की हमारी टॉप 20 नंबर की जनरल स्टडी के टेस्ट, जो मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक संडे लेकर आता हूँ। नॉन स्टॉप क्लास चलती है आप लोगों के लिए, हमारे हम संडे की कोई भी छुट्टी नहीं करते। आप हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल हमारा नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल, मंडे है, नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।